नमस्कार, मैं हूँ दिशा और आप देख रहे हो ऐसे न्यूज। हमारी जो भारत सरकार है, भारत की सरकार, उसने पहले भी कुछ महीने पहले 56 जो एक्ट थे हमारे वो बंद किए थे, लेकिन उस ऐपों में गेम्स ऐप नहीं थे। लेकिन अब जो ऐप्स बंद किए हैं, 118 ऐप्स बंद किए हैं भारत सरकार ने, उसमें सबसे ज़्यादा जो ऐप्स हैं वो गेम्स के हैं। गेम ऐप्स के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, सबकी जुबान पर है, वो है पबजी मोबाइल बैन होने का। इसके साथ ही उसमें कई सारे गेम्स ऐप भी थे जो बंद किए गए हैं और बिजनेस से रिलेटेड भी ऐप्स थे जिसे सरकार ने बैन कर दिया है। अब जो पबजी पर प्रतिबंध हो गया है, प्रतिबंध होने के बाद भले ही जो पबजी है उसको हम स्मार्टफोन जो था उस पर नहीं खेल सकते, लेकिन डेस्कटॉप पर वो अभी भी काम कर रहा है। भारत सरकार के इस फैसले पे भले ही जितने लाखों बच्चे थे जो गेम्स खेलते थे, बच्चे ही नहीं बड़े बड़े लोग भी जो थे वो भी गेम्स खेलते थे, पबजी वो लोगों को इतना लोकप्रियता से भी खेलते थे, लेकिन जो बच्चे थे वो इस फैसले से नाराज हैं। जितने लोग गेम्स खेलते थे, पबजी जो सबका बहुत फेवरेट था उसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी है बच्चों में, जितने भी लोग खेलते, लेकिन जो बच्चे पबजी खेलते थे उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता है, वो बहुत खुश है इस फैसले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान वही थे अपने बच्चों से। क्योंकि बच्चे जब पबजी खेलते हैं ना तो उन्हें कुछ खाना दिखता है अपना, ना सोना दिखता है, ना ही उन्हें अपनी पढ़ाई दिखती है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सीधे पबजी में से घुस जाते हैं, जैसे कि पता नहीं पबजी ना होकर क्या है उनके लिए। 2019 में जब प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक अभिभावक ने पूछा कि जो मेरा बेटा है जो कि 9th क्लास में पढ़ता है, वो पहले पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। कुछ समय से उसका ध्यान है पूरा कॉम, जो उसका फोकस है पूरा के पूरा, वो ऑनलाइन गेम्स के प्रति ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका असर उसकी पढ़ाई पे, उसकी निजी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँ? सवाल ख़त्म होते ही जो प्रधानमंत्री, उन्होंने पूछा क्या ये पबजी वाला गेम है? तभी जहाँ पर प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे तभी वहाँ पर शोर होने लगा। शोर इसलिए होने लगा क्योंकि पबजी जो गेम है उसका नाम सभी जानते, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी हो, टीचर्स हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे नेता क्यों ना हो, पबजी गेम्स का जो नाम है वो हर किसी के जुबान पर है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भारत में लोकप्रिय है, इसे बहुत ही ज़्यादा लोग। उसी चर्चा में प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने कहा कि यह समस्या भी है और समाधान भी है, लेकिन जब से 150 साल बाद इसे समस्या मानकर इसे बैन, उन्हीं की सरकार ने इसे बैन कर दिया। पिछले 10 सालों में जो ऑनलाइन गेम्स जो खेलते हैं फ़ोनों पर, उसकी जो मार्केट है उसने अपना जाल जो है वो पूरी मार्केट में ऐसे फैला लिया है कि सब लोग उसे इतना खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स को फ़ोनों पे खेलते हैं, जो अब उभरने वाली जो मार्केट है उसमें सबसे तेज़ी से जो है वो ऑनलाइन गेम्स की मार्केट गई है। लेकिन अगर हम आपको इसे आसान से शब्दों में समझाएं, आसान सी भाषा में समझाएं, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है निकलता है कि जब हम कोई भी सामान मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो हम अपनी जेब में पैसा लेके तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ जो हमें पसंद आती है उसे ख़रीदने से पहले, जो हम पैसों से ख़रीद रहे हैं उससे ख़रीदने से पहले, पैसा खर्च करने से पहले, हम एक बार ज़रूर सोचते हैं कि हम इसे ख़रीदें कि नहीं ख़रीदें। लेकिन जो ऑनलाइन गेम है जो हम सभी खेलते हैं, ऑनलाइन जो गेम है उसे स्टार्टिंग में खेलने में कोई भी पैसा नहीं लगता, इसलिए सोच लेते हैं कि गेम भी खेलने को मिल रहा है, इसमें कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं और साथ ही मज़े भी आ रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं, इंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए ऑनलाइन गेम की जो मार्केटिंग है वो बढ़ती जा रही है। जो गेम्स कंपनियाँ हैं पहले वो ऑनलाइन गेम जो खेलने की आदत डालती हैं लोगों में, फिर अपना पैसा बनाती है। पहले तो वो फ्री में गेम खेलने के लिए आदत लगा देती है, जब किसी को किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो उसको छुड़ाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए बाद में वो पैसा बनाती है, क्योंकि अगर गेम पसंद आ गया तो पैसों से खेले या बिना पैसों से खेले उन्हें खेलना ही खेलना है। पबजी जो कि बैन होने के बाद सबकी चर्चाओं पर है, जो भारत में लोकप्रिय गेम है पबजी, जिसका पूरा नाम है
जिसका पूरा नाम है प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड। यह बहुत ही लोगों का लोकप्रिय गेम है और भारत के अंदर भी इसके बहुत सारे दीवाने हैं। अगर किसी के हाथ में पबजी पकड़ा दो खेलने के लिए तो दुनियादारी सब भूल जाए। यह जो पबजी गेम बनाया गया था, यह एक जापानी थ्रिलर फिल्म बैटल रॉयल से प्रभावित होकर बनाया था, जिसमें जो सरकार है वो छात्रों के एक ग्रुप को जबरन मौत से लड़ने के लिए भेज देती। पबजी के अंदर 100 प्लेयर एक साथ पैराशूट से एक टापू पर उतरते हैं, छलांग लगाते हैं। टापू पर उतरने के बाद वो हथियार ढूंढते हैं। हथियार ढूंढने के बाद जो है एक दूसरे को, जो 100 प्लेयर होते हैं, एक दूसरे को तब तक मारते हैं जब तक कि उनमें से सिर्फ एक ना बचा। जो पबजी गेम है इसे कोरिया की एक गेम्स कंपनी ब्लू हॉल ने बनाया है। दक्षिण कोरिया की जो कंपनी थी उसने इसका डेस्कटॉप वर्जन बनाया था, लेकिन चीन की जो कंपनी है वो इसका इसमें कुछ बदलाव करके, जो टेंसॉन कंपनी है वो इसे मोबाइल वर्जन बनाकर कुछ बदलाव करके मार्केट में लेकर। भारत के अंदर जो लोग पबजी खेलते हैं वो 20% लोग हैं जो पबजी खेलते हैं, लेकिन चीन के अंदर जो है वो 27% यूज़र हैं इसके, लेकिन अमेरिका के अंदर सिर्फ 6% हैं जो ये पबजी गेम खेलते हैं। पबजी जो गेम है इसे एक साथ कई सारे लोग खेल सकते हैं। दुनिया की बात करें तो 2019 के अंदर गेमिंग का जो बाजार है वो 16.9 अरब डॉलर का, जिसमें 4.2 डॉलर के 2 अरब डॉलर के साथ जो हिस्सेदारी है वो चीन की सबसे आगे है। चीन जो है हिस्सेदारी में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, और तीसरे नंबर पर जो है वो जापान है, फिर ब्रिटेन है, फिर को और फिर है दक्षिण। ये जो आंकड़े हैं वो startica.com के। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।